खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जनपद पहुंचे प्रभारी मंत्री ने प्रेक्षागृह में सभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा संकल्प को दोहराते हुए सभी को साफ सफाई को लेकर शपथ दिलवाई। हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने प्रेक्षागृह पहुंचकर जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र, सांसद मिश्रिक अशोक रावत, विधायक रजनी तिवारी, जिला अधिकारी पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, CDO निधि गुप्ता वत्स, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्र, राम बहादुर सिंह, राजा बख्श सिंह, विपिन सिंह, पारुल दीक्षित, श्री कृष्णा शास्त्री, भाजपा नेता KB सिंह, नरेंद्र सिंह अटिया, नगरपालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर आदि की मौजूदगी में वहां लगी सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया तथा उन्हें कुछ स्वच्छता ग्रहणियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया और उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी को साफ सफाई को लेकर शपथ दिलवाई। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर फल वितरण किया तथा ब्लड बैंक में रक्तदान कर रहे युवा भाजपा नेताओं को बधाई और उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य व्यवस्था का हालचाल भी जाना। मोदी जी का जन्म दिवस है, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, एक प्रेरणा देता है। आज फल वितरण का काम औपचारिक रूप से और टोकन के रूप में, टोकन ऑफ लव, दूध फल मरीज को देने का। हॉस्पिटल में भ्रमण के दौरान मैंने कुछ मरीजों से बातचीत करी है, एक ओवरऑल जानकारी कर रही है। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर से बात की, सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। लोगों को लगता है कि नहीं कि डॉक्टर सुन रहे हैं, सुविधाएँ मिल रही हैं। जो पेशेंट 2-3 दिन पहले उनसे मैंने बातचीत करी, आज जो पेशेंट एडमिट हुए, महत्वपूर्ण बात है कि पेशेंट का अटेंडेंस समय आता है साथ देखना चाहिए। उसके नाते से भी हॉस्पिटल में आज सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी बात है। हम सब लोग मिलकर इस सेवा का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया, सिपाही होने के नाते। साथ ही उनके जन्मदिवस के अवसर पर सेवा ही स्वच्छता है कार्यक्रम जो प्रशासन की तरफ से आयोजित किया गया है, उसके मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठतम नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अब इस हम सबके सौभाग्य से इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री सतीश महाना जी मंच पर हैं। उनका प्रथम आगमन है, शॉर्ट नोटिस पर है, लेकिन मैं हुआ समय दिया, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पूरे प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान योजना का प्रारंभ करा तो पूरे प्रदेश में पहला स्थान पाने का गौरव जनपद हरदोई को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम ये देखते हैं कि कितने कृषकों को सीधे धनराशि DBT के माध्यम से उनके खातों में मिली तो उसमें भी आपके जन का पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को कराना चाहूंगा कि जनपद ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत आज तक लगभग 400 ग्राम पंचायतों के भवनों को ग्राम सचिवालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। ये प्रदेश में अनूठी पहल थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जनपद भ्रमण के समय सराहा था। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।